प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को गोलघर जलकल स्थित 38.22 करोड़ की लागत से निर्मित पूर्वांचल की पहली मल्टी लेवल पार्किंग का बटन दबाकर लोकार्पण किया, जिसके संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि यह पार्किंग स्थल पूर्वांचल का पहला मल्टी लेवल पार्किंग है तथा अब सड़कें जाम से मुक्त होंगी तथा लोगों का वाहन सुरक्षित रहेगा और गायब होने की संभावना कम रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आम नागरिकों का आवागमन शहर में सुलभ रहेगा। उन्होंने बताया कि गोरखपुर को पहला मल्टी लेवल पार्किंग प्राप्त हुआ है। उन्होंने बताया कि इस मल्टी लेवल पार्किंग में दो पहिया और चार पहिया वाहन मिलाकर 1000 वाहन पार्किंग हो जाएंगे तथा एक ही जगह पर खरीदारी व वाहनों का पार्किंग भी हो जाएगा तथा परिवार को एक साथ शॉपिंग करने का अवसर प्राप्त होगा। उन्होंने बताया कि जीडीए के द्वारा वाहनों को सुरक्षित पार्किंग नागरिकों को उपलब्ध कराया गया है तथा यह व्यवस्था दिवाली के पहले प्राप्त हो रहा है, जो कि हर्ष का विषय है। मुख्यमंत्री ने बताया कि दिवाली पर महानगर में काफी भीड़ होती है, तब वाहन पार्किंग करने में असुविधा होती थी। अब इस दिवाली पर वाहनों को पार्किंग करने में और खरीदारी करने में नागरिकों को आसानी होगी। उन्होंने बताया कि नागरिकों को मंथली पास भी जारी किया जा सकता है, जिससे लोगों को वाहन पार्किंग करने में आसानी हो। उन्होंने बताया कि आशा करते हैं कि नगर निगम व जीडीए मिलकर इस मल्टी लेवल पार्किंग को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, सामने बैठिएगा, पीछे 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 जाइए। बीसी सर थोड़ा पीछे, कितने गाड़ियाँ इसी सर थोड़ा पीछे हो जाएंगे। अच्छा, इसका उपयोग ये सब बेसमेंट के बाद छठा बेसमेंट प्लस तीन जगह सीढ़ियाँ हैं, एक फायर सेफ्टी का भी देख लिया, बड़े बड़े करो बैठक करके पास सिस्टम तक पास।
गोरखपुर और इस पूर्वी उत्तर प्रदेश का पहला मल्टी लेवल पार्किंग है। यहाँ पर सड़कें अतिक्रमण से मुक्त हों, हर ग्राहक और उपभोक्ता के वाहन सुरक्षित हों, उसे एक सुरक्षित स्थान मिल सके, आम नागरिक का आवागमन फ्रीक्वेंट हो, इस दिश से पार्किंग व्यवस्था। वैसे भी स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री जी का ही विजन रहा है और ये गोरखपुर का पहला मल्टी लेवल पार्किंग गोरखपुर को आज प्राप्त हुआ है, जो गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने बना करके तैयार किया है। यहाँ पे पार्किंग भी होगी, फोर व्हीलर और टू व्हीलर को लेकर के अगर हम देखेंगे तो लगभग 1000 वाहन इसमें पार्किंग हो जाएंगे, साथ साथ इसमें कॉमर्शियल गतिविधियां भी प्रारंभ होंगे। अब एक ही जगह लोगों को खरीदारी करने का भी अवसर प्राप्त हो जाएगा और साथ साथ अपने वाहन को परिवार के साथ आएंगे तो एक ही जगह से सभी चीज़ खरीद भी लेंगे और अपने साधन वाहन को व्यवस्थित रूप से पार्किंग करने और सुरक्षित अपने घर तक पहुँचने का एक मंच उनको यहाँ पर गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने दिया है। गोरखपुर वासियों को दीपावली के पहले पार्किंग की सुविधा के लिए मैं विकास प्राधिकरण को धन्यवाद देता हूं। गोलघर गोरखपुर का हृदय स्थल है, दीपावली के समय यहां काफ़ी भीड़भाड़ होगी। विकास प्राधिकरण से पहले कहा गया कि यहां व्यापार मंडल के साथ संवाद बना करके उन्हें मासिक स्तर पर मासिक रेट पर एक पास इशू कर सकते हैं पार्किंग के लिए और ये पार्क की सुविधा उन्हें उपलब्ध कराने के लिए एक व्यवस्था एक टोकन मनी से के माध्यम से इसको आगे बढ़ाएंगे। तो सड़कों पे कोई वाहन खड़े नहीं होंगे और लोगों के आवागमन के लिए गोलघर की चौड़ी सड़कें
बेहतर रूप से उपयोगी बन पाएंगे। दीपावली के पहले गोरखपुर वासियों को मैं इसको लोकार्पित करते हुए मुझे प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है और मुझे विश्वास है कि ये मल्टी लेवल पार्किंग की व्यवस्था गोरखपुर के अन्य भीड़भाड़ वाले स्थानों पर नगर निगम भी, विकास प्राधिकरण भी और तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेगा।